नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जो काम किया उसकी तारीफ मध्य प्रदेश में चारों तरफ हो रही है। खासकर अगर बात करें तो मध्यम वर्गीय परिवार है जिनको अपने बच्चों को पढ़ाने में बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि हर साल जिस तरीके से स्कूल की फीस बढ़ती है तो दूसरी तरफ जिस तरीके से किताबों का जो भार है वो बढ़ता है, तो वहीं ड्रेस कोड बदलती है तो उसका भी भार एक मध्यम वर्गीय परिवार पर बढ़ता है। ऐसे में बात करें तो जिस तरीके से जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जो काम किया जबलपुर में, जिस तरीके से किताब माफिया के ऊपर जो कार्रवाई की और किस तरीके से किताब माफिया और जो स्कूल माफिया हैं उनके सिंडिकेट को खुलासा किया, और यहाँ पर अगर बात करें तो जो जानकारी निकल के आ रही है किस तरीके से सिंडिकेट का खुलासा हुआ, अगर बात करें तो जिस तरीके से जो किताबें होती है जो हर साल किताबें बदलती है उनके पीछे आपने देखा होगा किस तरीके से ISBN एक नंबर होता है, वो नंबर फर्जी होता है और उस फर्जी नंबर के जरिए एक मूल्य तय किताब माफियाओं के द्वारा किया जाता है, और फिर अभिभावकों और जो स्कूल के बच्चे हैं उनके माता पिता से वो फीस वो जो मूल्य है वो वसूला जाता है, और जो वो वसूला हुआ जो मूल्य है वे किताब माफिया स्कूल माफियाओं के बीच में 50-50% का जो है कमीशन होता है। इस तरीके से इस जो जानकारी सामने निकल के आ रही है। साथ ही अगर बात करें तो जांच में और भी कई खुलासे हुए हैं, जिस तरीके से जबलपुर में जिस तरीके से मामला सामने आया जहाँ पर किताब माफियाओं की कार्रवाई की गई जिसमें से 51 लोगों को जो है आरोपी बनाया गया जिसमें से 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो 31 लोग अभी भी जांच के दायरे में है, तो वहीं 11 स्कूलों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। साथ ही अगर बात करें जिस तरीके से ये जबलपुर का मामला जो सामने आया, दूसरी तरफ अगर बात करें तो नीमच मंदसौर में भी ऐसे कई किताब माफिया सक्रिय है जिनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर स्थानीय कलेक्टर को भी इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान में लेना चाहिए, और जो अभिभावक है जो बच्चों के माता पिता है जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनको राहत देनी चाहिए, ताकि किस तरीके से नीमच में भी कुछ स्कूल माफिया कुछ किताब माफिया यहाँ पर सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहे हैं, और जिस तरीके से मैंने आपको एक कोड बताया किस तरीके से जो नंबर लिखा होता है और मूल्य तय किया जाता है वो किताबें बदलती है अपने मन मर्जी से उसके ऊपर अपना जो मूल्य लिखते हैं और फिर अभिभावक और स्कूल के बच्चों के माता पिता से वसूलते हैं, और किस तरीके से हर साल किताबें बदलती जा रही है, और एक सिंडिकेट था, इस सिंडिकेट का खुलासा जबलपुर में हुआ। ऐसे में बात करें तो ये तकरीबन 200 करोड़ से भी ज़्यादा का घोटाला बताया जा रहा है। दूसरी अगर बात करें तो नीमच मंदसौर में भी यहाँ पर भी इस तरीके से घोटाले का पर्दाफाश हो सकता है अगर स्थानीय कलेक्टर इस मामले को संज्ञान में ले और यहाँ पर भी एक कमेटी बनाई जाए, जाँच कराई जाए किताब माफियाओं की स्कूल माफियाओं की किस तरीके से इसको ऑपरेट करते हैं। उसके बाद चौंका देने वाले खुलासे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नीमच मंदसौर में निकलेंगे। यहाँ पर कई किताब माफिया और स्कूल माफिया सक्रिय है जो पूरे गठजोड़ होकर इसको ऑपरेट करते हैं। ऐसे में बात करें तो हम भी अपील करते हैं कि जो सामाजिक संस्थान है जो सामाजिक संगठन है वे आगे आए और स्थानीय प्रशासन से पहल करें, उनसे बातचीत करें और एक जाँच कमेटी बनाई जाए, और जिस तरीके से जबलपुर में जो खुलासा हुआ है वो नीमच मंदसौर में भी हो सकता है।